स्टूडेंट कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बीएच के लेक्चर में आप लोग को बहुत ही एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन है आप लोग ने 10th क्लास में भी फेस किया होगा, 11th क्लास में भी फेस किया होगा और 12th क्लास में ये प्रॉब्लम आप लोग ने फेस किया होगा। यस, मैं बात कर रहा हूँ कोई भी कंपाउंड दिया हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो चाहे वो कंपाउंड हो, उसमें हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर, ये सब आप लोग ने टर्म सुने होंगे। तो हम यहाँ पर सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक से कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए, सिग्मा बॉन्ड आप तभी बता सकते हो जब अगर उस मॉलिक्यूल का आपको स्ट्रक्चर पता है, तो आसानी से सिग्मा बॉन्ड काउंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर मान लीजिए सपोज आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता है, तो फिर प्रॉब्लम आपको हो सकती है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे। तो मैं आप लोग को वही आज ट्रिक सिखाने वाला हूँ कि मान लीजिए सपोज आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है उस मॉलिक्यूल का, फिर भी आप आंसर दे लोगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं विदाउट पेन यूज किए हुए, विदाउट स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए हुए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर दो केस पढ़ेंगे, एक ऐसे कंपाउंड की बात करेंगे जिसमें कोई रिंग ना हो, ठीक है, मतलब एलिफेटिक टाइप का हो, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, और चाहे कोई सिंपल मॉलिक्यूल हो जिसमें कोई रिंग ना हो। तो एक केस वो पढ़ेंगे और एक दूसरा हम लोग वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसमें कोई रिंग हो, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो साइक्लो कंपाउंड हो, रिंग हो बट उसमें रिंग हो। तो दो केस हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, एक विदाउट रिंग वाले और एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई रिंग हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम केस वन की बात करते हैं, ठीक है। केस वन, तो मान लीजिए सपोज आपको यहाँ पर मैं कुछ मॉलिक्यूल दे दूँ, जैसे मैं सिंपल मान लो मीथेन दे दिया आपको, दे दिया मैंने ईथेन दे दिया, C2H6 दे दिया, ठीक है। कोई हमने चलो अमोनियम आयन दे दिया, NH4+ दे दिया। इन सब में हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालना है, सिंपल मॉलिक्यूल है। मान लीजिए हमने कोई एनायन ले लिया, नाइट्रेट आयन ले लिया, ठीक है। मान लीजिए सपोज हमने सल्फेट आयन ले लिया, ठीक है। मान लीजिए हमने C4H10 ले लिया। अब इन सब मॉलिक्यूल हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है। तो अब क्या करोगे, अगर मैं आपको बोलूं किस तरह से निकालोगे तो आप क्या करोगे, CH4 का स्ट्रक्चर बनाओगे, उसमें चार हाइड्रोजन है चार सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। 10th में ये सब तो पूछते भी थे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, अमोनियम पूछे तो भी कर सकते हो। अब नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन या फिर कोई बड़ा मॉलिक्यूल दे दे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन के यहाँ पर ज्यादा हो, 10-12 कार्बन एटम हो। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दे दूँ, एक ग्लूकोज की दे दूँ, C6H12O6, इसमें पूछ लिया जाए बताइए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे। तो फिर यार आपको टाइम भी लगेगा और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में हो सकता है एक दो सिग्मा बॉन्ड आपसे छूट जाए, तो मिस्टेक करने के चांस ज्यादा है। ये सब क्या है, आपके सिंपल कंपाउंड है जिसमें कोई भी रिंग नहीं है, सिंपल सा कैटायन एनायन या फिर न्यूट्रल कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक यहाँ से नहीं मतलब है, आपको सिंपल सा आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालना है। तो केस वन में इस तरह की कोई भी मॉलिक्यूल हो जिसमें कोई भी रिंग ना हो, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगा देना है, नंबर ऑफ एटम्स -1 कर दीजिए, उस मॉलिक्यूल में उतने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होगी, ठीक है। इससे शॉर्ट ट्रिक आपको क्या मिलेगा कि आपको मॉलिक्यूल ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालना है, तो उस मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर ऑफ एटम हो उसमें -1 कर दीजिए, वही उसका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होगा। देखिए कितना सिंपल हो गया। अब इसमें देखिए, अगर हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करें, यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालें तो कार्बन कितने हैं 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, टोटल एटम कितने हुए 5 -1, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, ले लीजिए 4 आंसर हो गया। अब आपको स्ट्रक्चर नहीं भी पता है तो भी आसानी से आप निकाल सकते हो। जैसे ये क्या है, इथेन है, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालना है, एटम टोटल कितने हैं 8 है, ठीक है, 2 कार्बन के 6 हाइड्रोजन के, टोटल 8 है, 8 -1, ये लो आंसर, 7 सिग्मा बॉन्ड इसमें हो गए। अमोनियम आयन है, इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, टोटल 5 है, नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन के 4, टोटल कितने हुए 5 -1, ये 4 हुए सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक है। कितना सिंपल है, आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सा शॉर्ट ट्रिक आप करो कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ एटम -1 आंसर ले लो। यहाँ पे नाइट्रेट आयन में देखिए कितने एटम है, 1 नाइट्रोजन का है, 3 ऑक्सीजन, टोटल कितने 4 है, 4 -1 कर दो, ये इसमें क्या होंगे 3 सिग्मा बॉन्ड, ये लो आंसर।
इसमें सल्फेट आयन निकालना, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, सल्फर का एक, ऑक्सीजन कितने, फोर, टोटल कितने हुए, फाइव, फाइव माइनस वन कितना आ गया, फोर, इसमें सिग्मा बॉन्ड होंगे, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें ब्यूटेन में, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने, फोर इसके हैं, टेन इसके हैं, टोटल कितना हुआ, फोर्टीन, फोर्टीन माइनस वन ये लीजिए थर्टीन, क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड। अभी हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, तो अगर आपके पास ये ग्लूकोज है, इसमें आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछे, तो ये देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, कार्बन के कितने, छः, हाइड्रोजन कितना, ट्वेल्व, टोटल कितना हुए, एटीन, एटीन और सिक्स कितना हुआ, ट्वेंटी फोर, तो ट्वेंटी फोर माइनस वन, हमें कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ एटम माइनस वन कर दीजिए, आपके कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, ट्वेंटी थ्री हो जाएंगे। क्रॉस चेक करना है कर सकते हैं, देखिए मीथेन का हम अगर करें तो मीथेन में आपको पता ही है कि चार सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, कितने, फोर एंसर है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं इथेन का, तो आपको पता है कि इथेन में क्या होता है, तीन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इथेन का कुछ ऐसा बनाया होगा, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, यहाँ से ये वो चीज होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, देखिए हाइड्रोजन ये थ्री सिग्मा बॉन्ड, छह सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, और एक कार्बन का, टोटल कितने हुए, सेवन हुए। इसमें हम बात करें अमोनियम आयन में, अमोनियम आयन आपको पता है कि देखिए टेट्राहेड्रल शेप होता है, यहाँ से क्या हुआ, देखिए चार सिग्मा बॉन्ड आंसर हो गया। अगर हम बात करें नाइट्रेट आयन में, नाइट्रेट आयन में आपको पता है कि यहाँ से कुछ इस तरह से होता है, तीन ऑक्सीजन एटम है, एक पे माइनस चार और एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप का पड़ता है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, एक, दो, तीन, एक तो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड से में मतलब नहीं हो गया आंसर। सल्फेट आयन की बात करूँ तो सल्फेट आयन में आपको पता है कि यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, दो ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरह से और यहाँ से इस तरह से, इस पे माइनस माइनस है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ, टोटल कितने हुए, फोर हो गए, ये लो आंसर। अगर हम बात करें ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन में आपको स्ट्रक्चर पता ही होगा, चार कार्बन है, यहाँ से चार ये हो गए, इनके पास क्या होगा, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम काउंट कर लो, आपके पास टोटल कितने आ जाएंगे, देखिए थर्टीन आ जाएंगे, देखिए हाइड्रोजन यहाँ से कितने, तीन इधर, तीन दो पाँच, पाँच दो सात, सात तीन दस, और ग्यारह, बारह, तेरह, तेरह सिग्मा बॉन्ड हो गए, थर्टीन, ठीक है, कितना सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करो, नंबर ऑफ एटम माइनस वन कर दो, ठीक है। अगर कोई रिंग नहीं है, सिंपल सा ऐसे कोई एलिफेटिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, रिंग नहीं है, तो आप सीधा सा नंबर ऑफ एटम माइनस वन कर दीजिए, उतने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होंगे। इसी तरह से ग्लूकोज का भी बना सकते हो, इसी तरह से अगर मैं पूछूं कोई बताइए सुक्रोज, सुक्रोज, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, इसमें पूछे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताइए, तो टोटल नंबर ऑफ एटम आप काउंट कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए सुक्रोज का फॉर्मूला ये है, आपको निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट कर लीजिए, होगा ना, टू टू कितना, फोर और वन फाइव, और टू यहाँ से कितना, फोर, फोर्टी फाइव, और इसमें माइनस वन कर दीजिए, कितना आ जाएगा, फोर्टी फोर, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। कोई भी मॉलिक्यूल हो, अब क्या करना है, अगर रिंग सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, सीधा सा एलिफैटिक टाइप का कोई भी रिंग नहीं है, तो नंबर ऑफ एटम माइनस वन, बताइए इसमें क्या दिक्कत है, सबसे है ना सुपर ट्रिक। आप इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। पाई बॉन्ड में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, पाई बॉन्ड तो आप काउंट कर सकते हो, मेन क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड में आता है, ठीक है, ये कुछ बेसिक ट्रिक है। अब इस पे कोई भी कंपाउंड में जिसमें रिंग नहीं हो, ये केस वन अप्लाई कर दीजिएगा, ये अपना केस वन है, ठीक है, कि हम उसमें बात करें जिसमें नो रिंग है, कोई भी इसमें रिंग ही नहीं है, उसके लिए मैंने यहाँ पर केस वन बना दिया है, ठीक, ये फॉर्मूला लगा के उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकाल सकते हैं। केस वन हम लोग ने पढ़ लिया, केस टू में हम लोग पढ़ेंगे ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कोई ना कोई रिंग हो, ठीक है। तो केस टू में जब मैंने लिख दिया है कि रिंग कंटेनिंग मॉलिक्यूल, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, रिंग हो, मतलब कोई एक साइक्लिक क्लोज चेन होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स माइनस वन और प्लस क्या कर दो, नंबर ऑफ रिंग्स, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने का, ठीक है, क्या कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकल जाएगा। कोई भी अगर रिंग कंटेनिंग मॉलिक्यूल हो तो उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालना है, तो क्या करना है, नंबर ऑफ एटम माइनस वन तो हम लोग कर ही रहे थे, बट उसी में क्या कर देना है, प्लस नंबर ऑफ रिंग कर देना है, ठीक है। हम लोग ने जो फॉर्मूला वही चीज है, बस इसमें हमने अगर रो कोई रिंग वाला कंपाउंड हो तो उसमें नंबर ऑफ रिंग और प्लस कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, सबसे पहला क्या है, बेंजीन। अब यहाँ पर अगर हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालना हो,
नंबर ऑफ एटम टोटल कितने हैं? 12 है और माइनस 1 कर दीजिए और इसमें रिंग कितना है? 1 है, यहाँ से कितना आ जाएगा? 12 सिग्मा बॉन्ड आ जाएगी। अगर हम इसकी बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 15 माइनस 1 और प्लस 1, रिंग कितना है इसमें? 1 है, यहाँ से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आ जाएंगे? 15 आ जाएंगे। अगर इसमें निकालना हो, अभी हम स्ट्रक्चर बना के भी क्रॉस चेक कर लेंगे, इसमें अगर निकालना हो तो कितना हुआ? 18, ठीक है, 18 एटम है, माइनस 1 और प्लस, नेट 3 में नंबर ऑफ रिंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है, मैंने नेम एंथ्रासीन और नेट 3 इनका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से? 19 आ जाएगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इसमें 12 आएगा, इसमें 15 आएगा, इसमें 19 आ जाएगा। इसमें आपको निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? 24, क्योंकि कार्बन कितने हैं? 14 है, हाइड्रोजन कितना? 10 है, तो क्या हो जाएगा? 24 माइनस 1 और प्लस, एंथ्रासीन में नंबर ऑफ एटम कितने, रिंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा? 20 कितना हो जाएगा? 27 माइनस से कितना आ जाएगा? 26 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। इसमें अगर निकालोगे तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 18 है, माइनस 1 और नंबर ऑफ रिंग कितना होगा? 1 होगा, तो यहाँ से कितना सिग्मा बॉन्ड कितने आ जाएंगे? 18 आ जाएंगे। इस तरह के मॉलिक्यूल जो होते हैं, आप अगर आप 10th में तो नहीं आएंगे बट 11th में आप लोगों ने इस तरह के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तो आप ये फॉर्मूला लगा से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आसानी से फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। अगर आप काउंट करोगे स्ट्रक्चर पता तो भी टाइम टेकिंग है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट ट्रिक पता होना चाहिए। जैसे आपको बेंजीन के, अगर जैसे मान लो बेंजीन को सबको स्ट्रक्चर पता है, ठीक है, बेंजीन पे ये होता है कार्बन 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 और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन होते हैं। अब काउंट करोगे तो वैसे भी हो जाएगा बट आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। काउंट करने में सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, काउंट करने में कभी कभी क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है, एक दो मिसिंग हो जाते हैं, तो आपको ये फॉर्मूले से तुरंत आंसर आ जाएगा। इसकी हम बात करें तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, C7H, ये टॉल्यूमिन है, मतलब यहाँ से इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, टॉल्यूमिन। तो स्ट्रक्चर पता है, काउंट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला 15 कर सकते हो। नेफ्थलीन आपको स्ट्रक्चर पता होगा, नेफ्थलीन में क्या होता है, 2 इस तरह से बेंजीन क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है, नेफ्थलीन का ये स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें काउंट करने को तो काउंट कर सकते हो, ठीक है, हर एक हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, बाकी काउंट करो, देखिए 19 ही आएगा। तो स्ट्रक्चर भी पता है तो भी आप फॉर्मूले से फटाफट इससे आंसर निकाल सकते हो। एंथ्रासीन की बात करें तो एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर सबको पता ही होगा, यहाँ पर क्या होते हैं, 3 बेंजीन इस तरह से एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, ये होता है एंथ्रासीन, ठीक है, ये होता है एंथ्रासीन। अब काउंट करके आप 26 लाओ, 26 छोटा सा नंबर नहीं है, बड़ा नंबर है, आप काउंट करने जाओगे सबके पास हाइड्रोजन है तो वहाँ पे मिस्टेक थोड़ी बहुत हो सकती है, छोटी मोटी एक कोई मिस हुआ तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपको क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले से बिना कोई मिस्टेक के आप आंसर डायरेक्ट आप बता सकते हो 26 होंगे, बशर्ते आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब ये सब का आपको रिंग भी पता होना चाहिए क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है, अगर आप 11th 12th में जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इनके स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो काउंट करने से आप बच जाओगे, डायरेक्ट आप आंसर बता दोगे, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो आपको पता है ये साइक्लोहेक्सन है, यहाँ पर देखो 6 कार्बन है, हर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होंगे, तो आएगा कितना, 18 आएगा। इसमें बोर्ड में 12th बोर्ड में या नीट वगैरह में क्वेश्चन एक आता है DDT, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि DDT में बताइए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे, ठीक है। अब हमें DDT का नेम जैसे क्या होता है, DDT का अगर स्ट्रक्चर की बात करें, 12th क्लास में अगर आप हो तो DDT का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर अगर आप बना भी लिए तो भी काउंट करने में कभी कभी क्या होगी, मिस्टेक हो सकती है। इसका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे कार्बन, इसके पास क्या होंगे, 3 क्लोरीन होंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर फिर से आएगा बेंजीन, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पर अल्टरनेट क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर बना भी दिया जाए और बोलिए बताइए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालिए तो भी आप मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि काउंट करने जाओगे तो हर एक के पास, यहाँ पे देखिए हर एक कार्बन के पास क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, इस कार्बन टेट्रावेलेंसी के लिए हाइड्रोजन होगा, बाकी यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, ये यहाँ पर हाइड्रोजन होगा,
और आपको बोला जाए बताइए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, आपको स्ट्रक्चर पता भी होगा तो भी आप एक दो कहीं ना कहीं मिस कर दोगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड तो आपको दिख रहा है टोटल कितने 6 है। पाई बॉन्ड की बात करें पाई बॉन्ड बताइए कितने हैं, तो टोटल आपको 6 आंसर दिख रहा है, स्ट्रक्चर पता है। बट अगर मैं बोलूं बताइए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताइए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताइए, तो आप काउंट करने जाओगे सब स्ट्रक्चर पता है काउंट करने जाओ तो कहीं ना कहीं मिस्टेक आप कर ही दोगे। आप सीधा सा इस फॉर्मूले से आप लगा दो क्या है नंबर ऑफ एटम माइनस वन प्लस नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ रिंग कितने हैं 1 2 ठीक है। अब अगर इसका नेम की बात करें इसका नेम क्या होगा पीपी, ठीक है पीपी मतलब पैरा पैरा, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है पैरा, फोर्थ पोजिशन है मतलब क्या हुआ पैरा हुआ ना, पीपी डाई क्लोरो डाई फिनाइल पीपी डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ये C6H5 का फिनाइल, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, ये 3 क्लोरीन है, ट्राइक्लोरो इथेन इसका नेम है, इथेन मतलब 1 2 दो कार्बन है। देखिए आपको नेम पता है स्ट्रक्चर भी आसानी से बना सकते हो, ठीक है कैसे लिखो पीपी मतलब पैरा पैरा पोजिशन पे क्लोरीन है, डाइक्लोरो डाइक्लोरो मतलब ये पैरा पोजिशन पे 2 क्लोरीन है, अब डाइफिनाइल ये क्या है फिनाइल ग्रुप है डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो 3 क्लोरीन हो गए ट्राइक्लोरो और उसके बाद इथेन 1 2 दो कार्बन के इथेन बोलते हो आप, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर और ये हुआ इसका नेम। इस तरह के क्वेश्चन 12th बोर्ड में भी आते हैं, गुजकेट वगैरह में आते हैं, नीट में भी आते हैं, ठीक है। तो आपको सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड तो पता ही लेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसमें निकालना है, तो देखिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो कार्बन सबसे पहले देखते हैं, तो कार्बन 6 तो इसमें है 6 इसमें है, ठीक है 6 कितने हो गए 12 और 2 कार्बन इधर है, तो टोटल 14 कार्बन है, ठीक है कार्बन कितने हैं 14 है। बाकी हाइड्रोजन कितने हैं, तो देखिए 4 हाइड्रोजन इधर है 4 हाइड्रोजन इधर है 8 और एक यहाँ पर, टोटल 9 हाइड्रोजन है। मतलब इसका फॉर्मूला आप लिख ही लिया, फॉर्मूला अगर इसका लिखोगे तो क्या रहेगा 14 कार्बन थे, हाइड्रोजन कितने 9 है, क्लोरीन कितने हैं 2। ये तो हमने क्या करा इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया, अब आसानी से आप निकाल सकते हो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए यहाँ से 28 माइनस 1 प्लस नंबर ऑफ रिंग कितने हैं 2 है, यहाँ से निकालोगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आ जाएंगे 29 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिनका आपको स्ट्रक्चर पता भी है तो भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। इसलिए आप ये शॉर्ट ट्रिक से प्रेफर करोगे तो गलत होने के चांस ही नहीं होगा। तो आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने का ट्रिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, चाहे ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें कोई रिंग हो या फिर रिंग ना हो, तो भी आप दो केस हैं यहाँ पे मैंने बताया, दोनों ही केस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है या तो रिंग होगा या तो रिंग नहीं होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन मैंने कराया इनका आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने में, भी आप इजिली इस ट्रिक से आप कर सकते हो। दो ही केस मैंने बताया केस 1 केस 2, केस 1 में क्या करना है अगर कोई रिंग नहीं है तो सीधा सा नंबर ऑफ एटम -1 कर दीजिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा, और अगर कोई रिंग वाला मॉलिक्यूल है तो क्या करना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ एटम्स -1 और प्लस नंबर ऑफ रिंग कर देना है, बस ये चीज ऐड करना था नंबर ऑफ रिंग और आप कैलकुलेट करके आसानी से सिग्मा बॉन्ड निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।